हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी जावा 100% वंस अगेन। हियर आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन टू क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट ऑफ आईसीएससी बोर्ड। आफ्टर टीचिंग माय ऑपरेशंस ऑपरेटर्स, लेट वी सी मैथमेटिकल फंक्शंस। What are the functions? Functions are ready-made formulas. They are ready-made formula. Means some operation we cannot do with the formula. Some operation we cannot find with the formula. So there are built-in function. They are mathematical function. Many types of built-in functions are there. One of them is mathematical functions. Mathematical functions are those functions which are defined in java.lang package. java.language package में ये mathematical function defined होते हैं और math class के अंतर्गत ये java.lang package जो के अंदर क्या है math class, और इस math class के अंदर ये built-in function है mathematical functions, और इसके द्वारा हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। क्योंकि जैसे हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें क्या होगा, फार्मूले से दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी स्क्वायर रूट निकालना। तो क्या है, जावा में रेडीमेड फंक्शंस आते हैं और उन्हीं फंक्शंस के द्वारा हम कुछ ऑपरेशन कर लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। आज हम मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स मैंने पढ़ा दिया, मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़ लेंगे, तब हम ऑपरेटर्स के आउटपुट पर आएंगे। मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे मैंने बताया, ये फंक्शंस क्या है, रेडीमेड फार्मूला, दे आर रेडीमेड फार्मूलाज। फंक्शन को केवल यूज कर लिए आपका ऑपरेशन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फंक्शन बनाना भी सीखेंगे आप अभी, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये एक टाइप का बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से बना बनाया है मैथ क्लास के अंदर java.lang पैकेज में, लैंग्वेज पैकेज में है। तो पहला फंक्शन है जो मैथमेटिकल फंक्शन में, पहला फंक्शन है abs, एब्सोल्यूट वैल्यू। इट रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू मींस इट रिटर्न्स मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, इट रिटर्न्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर्गुमेंट विदाउट द साइन। ये साइन को इग्नोर करके बाकी मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है उसको रिटर्न करता है, और इसका रिटर्न टाइप डिपेंड करता है किस टाइप का आर्गुमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्गुमेंट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। और ये आर्गुमेंट कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ हमने कांस्टेंट पे अप्लाई किया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रिटर्न टाइप भी पूछा जाता है कि रिटर्न टाइप किस फंक्शन का, रिटर्न टाइप क्या है। तो इसका जो रिटर्न टाइप इंट लॉन्ग डबल डिपेंड करता है कि किस तरह की वैल्यू हम आर्गुमेंट में दे रहे हैं, कोई एक फिक्स टाइप नहीं है, कोई भी प्रिमिटिव टाइप हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह के आर्गुमेंट आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखे abs 10, इसको मैथ के साथ लिखेंगे math.abs-10, इसका आंसर क्या आएगा, 10। math.abs-2.3, इसका क्या आएगा, 2.3। यहाँ क्या है, यहाँ ये डबल है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जब कोई फ्रैक्शनल नंबर है, पॉइंट वाली नंबर है, उसका डेटा टाइप नहीं इस्तेमाल हुआ है, यानी ना तो फ्लोट लिखा है ना तो डबल, तो वो क्या होता है, डबल होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डबल में, यानी ये डबल है। तो यहाँ इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। रिटर्न टाइप मतलब एक वेरिएबल में जो वैल्यू आप रिटर्न करा रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, इंट के इक्वल टू math.abs-20। रिटर्न टाइप मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा उसका टाइप होगा। हम इंटीजर ले रहे हैं तो ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, क्योंकि इसका आर्गुमेंट भी इंटीजर है, क्या आएगा, 20। इसमें केवल ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल फंक्शन है, इसमें क्या है, माइनस साइन हट जाता है,
अगर प्लस लगा देंगे तब भी आपका ये साइन हट जाएगा, 20 आएगा अगर प्लस लगाए, क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी होता है नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, रिटर्न टाइप डिपेंड करता है आपका आर्गुमेंट किस टाइप का है, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रिमिटिव टाइप। दूसरा है SQRT, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको निकालना है किसी नंबर का, तो ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट पाने के लिए किसी स्क्वायर रूट किसी पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं, और इसके लिए फंक्शन है आपका SQRT स्क्वायर रूट। और ये अप्लाई किस पे होता है, ध्यान दीजिए इसका एप्लीकेशन आप करते हैं, इसका आर्गुमेंट टाइप क्या होता है, डबल होता है, और रिटर्न टाइप भी इसका क्या होता है, डबल होता है। डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, आर्गुमेंट भी डबल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने डबल लिखा नहीं है, ये क्या होता है, मैंने बताया क्या होता है, जब कोई पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल यानी फ्रैक्शनल नंबर है पॉइंट में, उसका टाइप हमने डिक्लेयर किए हैं, तो वो क्या होगा, डबल टाइप कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये डबल टाइप कांस्टेंट है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, 2.0। इंटीजर पे काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंटीजर पे काम नहीं करेगा, यानी math.sqrt4 निकालेंगे नहीं आएगा, 4.0 होना चाहिए, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, 2.0। तो इसका रिटर्न टाइप, इसका आर्गुमेंट टाइप और रिटर्न टाइप क्या है, डबल है। अगला है मीन फंक्शन, स्मॉलेस्ट बिटवीन टू नंबर, इट रिटर्न्स स्मॉलेस्ट बिटवीन टू नंबर, दो नंबर में सबसे छोटी नंबर ये रिटर्न करता है, सबसे छोटी नंबर रिटर्न करता है। और इसका रिटर्न टाइप डिपेंड करता है कि किस तरह के आर्गुमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट भी हो सकता है, आपका लॉन्ग भी हो सकता है, कोई भी प्रिमिटिव टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड, जैसे हमने यहाँ पे इंट इस्तेमाल किया है, तो math.min में क्या आ जाएगा, यानी 2 और 4 में सबसे छोटा कौन है, 2, इसका रिजल्ट आएगा 2। इस तरह से मेरे ख्याल से ये 3 आपके मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए हैं। आइए देखते हैं कुछ और मैथमेटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट इज मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन मीन जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है दो नंबर के बीच में, मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू, दो नंबर की मैक्सिमम वैल्यू, दो नंबर्स में जो सबसे बड़ी नंबर है उसको रिटर्न करता है। जैसे आपने किया int n math.max 4, 8, तो क्या आएगा, 8। डबल एक्स math.max -3.8 -6.8, तो इसमें मैक्सिमम जो है आपका आएगा -3.8। डबल एक्स math.max 3.8 -6.8, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आएगी -3.8। सॉरी, नेक्स्ट इज पावर। पावर फंक्शन रिटर्न्स द पावर ऑफ स्पेसिफाइड बेस। इसमें दो आर्गुमेंट होते हैं, ये भी मिनिमम और मैक्सिमम भी दो आर्गुमेंट का होता है। जैसे यहाँ देखिए दो आर्गुमेंट है, यहाँ दो आर्गुमेंट है, ठीक है। पावर में क्या होता है कि इसमें भी दो आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है पावर। और ध्यान दीजिए किस पे अप्लाई होता है, डबल टाइप पे। यहाँ पे हमने कांस्टेंट पे अप्लाई किया है, तो पॉइंट वाला नंबर जब उसमें डेटा टाइप नहीं रहता है तो उसको क्या मानते हैं, डबल मानते हैं। तो 2.0 3.0 ये आ जाएगा 8.0 8.0। ये बेस होता है, ये पावर होता है, तो 2 की पावर 3, 2 into 2 into 2, दैट विल बी 8.0। तो डबल टाइप पे ये अप्लाई होता है, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, डबल। इसका भी रिटर्न टाइप क्या होता है, इंट, लॉन्ग, डबल, जब मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह का आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन इसका फिक्स है कि ये आपका डबल पर कार्य करता है। जैसे ये 5.0 कामा -2.0, तो माइनस में पावर दिया है, तो ये हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.04 1/अपान, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया। तो चूंकि माइनस में है तो अपान हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। अगला है लॉग। इट रिटर्न्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द पॉजिटिव आर्गुमेंट।
पॉजिटिव आर्गुमेंट का नेचुरल लॉगरिथम देता है। इसमें देखिए लॉग तो आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, हमें थोड़ा आइडिया कम है मैथ की, उसमें क्या होगा नेचुरल लॉगरिथम देता है और लॉगरिथम का आउटपुट नहीं पूछेगा इतना कितना आएगा, एक्सप्रेशन में लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ये सब तो आउटपुट पूछ सकता है किसका आउटपुट कितना आएगा, ठीक है। अब आता है राउंड, तो नेचुरल लॉगरिथम इसका इतना आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन में जैसे लॉग निकालना है तो मैं डॉट लॉग वहाँ लगेगा जब हमने एक्सप्रेशन लिखना बताएंगे। अगला है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू इन द राउंडेड ऑन राउंडेड, राउंड पढ़े होंगे आप, नियरेस्ट टेन नियरेस्ट थाउजेंड जैसे होता था उसी तरह है। इट ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर डाटा, हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इंटीजर टाइप मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या हुआ, इंटीजर। इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज बिलो 0.5, अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 6.2 है, अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो 0.5 से कम है, फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल वाला पार्ट 0.5 से कम है, इट रिटर्न्स द सेम इंटीजर, तब वो सेम इंटीजर रिटर्न करेगा ऑफ द आर्गुमेंट, अदरवाइज इट रिटर्न्स द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, अन्यथा वो नेक्स्ट इंटीजर जब 0.5 या उससे ज़्यादा रहेगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो नेक्स्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। जैसे इंट एन मैट डॉट, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, मैट डॉट राउंड 6.25, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये देखिए क्या है, 2 है, ये तो 0.5 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप इसका आएगा आंसर क्या, 6, इसका फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ देगा और ये 0.5 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका जो आएगा आंसर 6, मतलब इंटीजर पार्ट देता है, ठीक है। अब इसी तरह ये मै डॉट राउंड 8.-8.92, तो यहाँ पर देखिए 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है, तो ये नेक्स्ट इंटीजर रिटर्न कर देगा। माइनस 8 का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, -9। ये फंक्शन इज फ्लोर, दिस फंक्शन इज ऑल्सो यूज राउंड द नंबर, गिवन नंबर इट रिटर्न्स द नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, डाउनवर्ड्स नियरेस्ट इंटीजर की तरफ ये राउंड करता है। द आउटकम इज ऑलवेज डबल टाइप, नियरेस्ट इंटीजर की तरफ ये जो है फ्लोर फंक्शन नियरेस्ट इंटीजर की तरफ जो है राउंड करता है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप डबल में होगा, मतलब 6 या कोई भी वैल्यू है उसके 0.0 लगा रहेगा। जैसे फ्लोर 6.25, इसका क्या आएगा 6.0, 6.25 का नियरेस्ट इंटीजर डाउनवर्ड्स 6 होगा। 6.82, इसका भी नियरेस्ट इंटीजर डाउनवर्ड्स क्या होगा 6.6 होगा, तो इसमें डबल टाइप होता तो इसलिए 6.0 लग जाएगा। जैसे मैं डॉट फ्लोर माइनस में, अगर -6.25 तो इसका डाउनवर्ड्स इंटीजर क्या हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -7.0। -6.85, इसका डाउनवर्ड इंटीजर जो है इसके फ्रैक्शनल पार्ट से मतलब नहीं है कि 0.5 है तो राउंड कर दे नेक्स्ट पे, इसके डाउनवर्ड्स इंटीजर पे राउंड अप करता है, तो -6.85 का आ जाएगा -7.0। ये आपका हुआ फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है सील, दिस फंक्शन आल्सो प्रोवाइड द राउंडेड वैल्यू, ये फंक्शन भी जो है राउंडेड वैल्यू देता है। ये क्या होता है नेक्स्ट हायर इंटीजर पे राउंड ऑफ करता है, नेक्स्ट हायर इंटीजर, ये डाउनवर्ड्स ये हायर इंटीजर पर राउंड ऑफ करता है, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है डबल टाइप। जैसे मैट डॉट सील 6.25, इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 7.0, नेक्स्ट इंटीजर 7 होगा लेकिन डबल टाइप रिटर्न करता है, इसका हो जाएगा 7.0। 6.82 का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, मतलब हायर इंटीजर 6.82 का 6 का क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7.0। इसी तरह है 6.25 माइनस का है, तो ये हो जाएगा -6.0, मतलब हायर इंटीजर 6.25 का
क्या होगा 6.0, 6.85 है ये भी 6.0 होगा, ये सील फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है रेंट, रेंट फंक्शन, इट रिटर्न्स द ट्रंकेटेड वैल्यू ऑफ द नंबर दैट इज द इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर बाय रिमूविंग द फ्रैक्शनल पार्ट, ये दशमलव वाला पार्ट, फ्रैक्शनल वाला पार्ट हटा देता है और केवल इंटीजर वाला पार्ट देता है, लेकिन रिटर्न टाइप क्या होता है डबल, यानी पॉइंट के बाद जीरो लगेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैथ में 2 और 2.0 सेम होता है लेकिन कंप्यूटर में अलग हो, ये इंटीजर है ये डबल है, डबल बाय डिफॉल्ट डबल होता है, फ्लोट और डबल दो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए होते हैं, लेकिन जब लिखते नहीं हैं तो वो डबल माना जाता है। तो ये इसका इंटीजर वाला पार्ट, ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट हटा देगा और वो इंटीजर वाला पार्ट डबल टाइप में रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है ईएक्सवी फंक्शन, एक्सपोनेंट, ये मैथ में इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे, इसकी आइडिया हमें भी नहीं है, इसमें आउटपुट नहीं पूछेगा, पूछा जाता है इसका रिटर्न टाइप, और ये फंक्शन जो है एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे उसकी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डबल डी मैथ डॉट एक्स 6.25 इसका इतना आ जाएगा। ये इंटर की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू के बारे में बताया जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन है ए साइन, ए साइन फंक्शन क्या करता है, दीज आर फंक्शन यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इस फंक्शन प्रोवाइड एंगल करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वैल्यू इन साइन कॉस टैन, एक मैं बता दे रहा हूं, एंगल रिटर्न बाय दीज फंक्शंस आर इन रेडियन, मतलब डिग्री को कंप्यूटर डिग्री पे काम नहीं करता, उसको दी गई वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब उसका वो निकालेगा साइन या कॉस या टैन। जैसे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे 22/7 × 180 फिर डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंटैक्स है, लिख लेंगे, सभी बुक में नहीं मिलेगा इसका। जैसे इंट ए 30 डिग्री है, मान लीजिए इंट 30 डिग्री दिया गया, तो इसको पहले हम क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डबल एक्स इक्वल टू हमने किया 22/7 × 180 × a, तो ये हो जाएगा आपका डबल एक्स में आ जाएगा इसकी रेडियन की वैल्यू। अब इसका मैट डॉट साइन लगा देंगे तो आप इसका हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो इसमें निकाल देगा डबल टाइप में, वो हो जाएगी 0.50। इस तरह से इसको नोट कर लेंगे, इसमें ये फार्मूला अभी तो आता नहीं है ज़्यादा ये, लेकिन ये समझ लीजिए कि डिग्री पे काम नहीं करेगा, ये रेडियन पे काम करता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला, और उसको जैसे ये 30 डिग्री है उसको कन्वर्ट किया हमने रेडियन में और निकाल लिया। अगला है रैंडम, रैंडम फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द रैंडम नंबर बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ये रिटर्न कर सकता है, और इट रिटर्न्स डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, 0 1 के बीच में कोई भी नंबर रिटर्न करता है, इसका भी रिटर्न टाइप डबल होता है, रिटर्न टाइप डबल। जैसे डबल डी इक्वल टू हमने कर दिया मैट डॉट रैंडम कर देंगे तो उसका डी में कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इतने हमने मैथमेटिकल फंक्शन कवर किए, ये मैथमेटिकल फंक्शन जो है मैथ क्लास में, किस क्लास में, मैथ यम कैपिटल में लिखा जाएगा, मैथ क्लास में डिफाइन है, बिल्ट इन क्लास है और ये बिल्ट इन फंक्शन है, बने बनाए यूजर डिफाइंड फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे। और ये मैथ क्लास किस पैकेज में है, जावा डॉट लैंग्वेज या LANG लिखेंगे इस पैकेज में,
जो कि डिफ़ॉल्ट पैकेज है। डिफ़ॉल्ट पैकेज मतलब हर प्रोग्राम से ये ऑटोमेटिकली जुड़ा होता है। कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं आप, उसमें ये पैकेज ऑटोमेटिकली जुड़ा रहता है, जिसमें आप मैथमेटिकल फंक्शन चूंकि इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जावा की फैसिलिटी है कि ये पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट रहता है ऑलरेडी। आइए देखते हैं और कुछ टॉपिक। हायरार्की, हायरार्की ऑफ द डेटा टाइप्स, अभी नहीं बताया मैंने कि उसको, आइए देखते हैं कि क्या होता है हायरार्की ऑफ डेटा टाइप्स। हायरार्की ऑफ डेटा टाइप्स, हायरार्की ऑफ डेटा टाइप्स क्या है कि जब इंटरमिक्स्ड एक्सप्रेशन कोई होगा, मतलब इंट, फ्लोट, डबल सब मिले हुए होंगे, तो उनका कैसे कन्वर्जन, उनका उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका रिजल्टेंट डेटा टाइप क्या होगा। तो ये लिखा है, सबसे लोएस्ट में होता है बाइट, फिर कैर, फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट, फिर डबल, इसमें होता है, इसमें बुलियन का नहीं आएगा। तो मतलब अगर बाइट और करेक्टर का एक्सप्रेशन है दोनों मिले हुए हैं तो रिजल्ट किस में आएगा, कैर में। शॉर्ट और इंटीजर का कैलकुलेशन हो रहा है तो रिजल्ट किस में आएगा, इंट में। तो इंट और लॉन्ग का अगर हो रहा है तो लॉन्ग में आएगा। फ्लोट और डबल का कैलकुलेशन हो रहा है, अगर हो रहा है तो डबल में आएगा। तो हायरार्की क्या बताता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के अगर डेटा एक्सप्रेशन में इस्तेमाल रहे हो रहे हैं तो लोअर टाइप उसके हायर टाइप में कन्वर्ट होता जाएगा, और ये ऑर्डर दिया गया है। जैसे आपका ए प्लस वन अगर आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 66, क्योंकि ए जो है आपका करेक्टर है, इसका स्काई कोड 65 होता है, प्लस वन एक इंटीजर है, तो करेक्टर जो है लोअर है, इंटीजर हायर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 65 + 1 = 66। इस तरह से हमारा मैथमेटिकल फंक्शंस, हायरार्की ऑफ डेटा और सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट हुए। अगला वीडियो जो हमारा होगा बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें हम क्वेश्चंस लेंगे। सेक्शन ए में पूछे जाने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन जो ऑपरेटर्स और फंक्शन से आते हैं उनको लेंगे। आज के लिए इतना ही। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन गेट माई नेक्स्ट वीडियो। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।